ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह के महल से उनकी रजामंदी के बगैर बाहर निकलना शहंशाह की तौहीन है और महल के कायदों की भी। ये बेगम जोधा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे मुगल सल्तनत की इज्जत दांव पे लग जाए। अवाम को पता चलेगा तो जितने मुंह उतनी बातें होगी, मुश्किल हमें उठानी पड़ेगी। नाक दम कर रखा है इस आमिर के शहजादी ने। रेशम हरकत में आओ, फुंडो उस बेगम जोधा को। कुछ सुना आपने? बिना इजाजत के इस महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर जोधा बेगम इतनी सफाई से गायब हो गई। खबर अगर बासी हो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और अगर बुरी हो तो दोबारा सुनने से तकलीफ होती है। तो वक्त वक्त जाया करो, जाओ यहाँ से, जल्दी ढूंढो उसे। आखिर जोधा बेगम की इतनी परवाह क्यों है? क्यों उसकी हर हरकत पे आप ढहल जाते हैं? औकात क्या है उसकी आपके सामने? अगर ये बातें आपको समझ में आती ना आदम, तो आज आप सिर्फ सूबेदार नहीं मुगल सल्तनत के वजीर होते। बेगम जोधा मायके जा रही थी, इस बात की खुशी थी हमें, लेकिन उनका इस तरह से गायब होना तकलीफ दे हो सकता है आदम। रेशम तुम जाओ, जल्दी जाओ। आप सब आमिर शाही हैं ना? जोधा बेगम के साथ उनकी देखभाल करने, उनका ख्याल रखने, है ना? ना कि नहीं? ठीक। तो फिर तुम्हारे रहते वो गायब कैसे हो गई? तुम सब हमेशा उनके साथ रहती हो ना? तो इस समय कहाँ थे जब वो यहाँ से चली गई? उन्होंने हमें आदेश दिया था कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? किस तरह से अपने फर्ज को अंजाम देते हैं? हमें जो दंड देना है दे दीजिए शेख, तो जोधा बेगम को ढूंढिए। टूटी हुई थी वो, न जाने कहाँ होंगी। हम आपके आगे हो चुके हैं, इससे पहले कि कोई अशुभ घटना हो जाए उन्हें ढूंढिए। उसके बाद आप हमारा सर भी काटना चाहेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। हम आप ही उन्हें ढूंढ सकते हैं, उन्हें ढूंढिए। इतना बहरा होने के बावजूद जोधा बेगम महल से बाहर कैसे गई? गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, लेकिन हम गुलाम बेगम के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकते थे? फिर जोधा बेगम साहिबा इतनी गुस्से में थी कि उन्हें रोक पाना हमारे लिए नामुमकिन था। उन्होंने हमारे हाथ से घोड़े की लगाम छीन ली और किले से बाहर निकल गई। उन्हें रोक पाने का हुक्म देना गुलाम की ताकत से परे था हुजूर। अगर हुजूर को लगता है हमसे कोई गुस्ताखी हुई है तो बंदा सजा पाने को तैयार है। सुना तुमने, जोधा बेगम महल से गायब हो गई है। क्या जोधा बेगम लापता है? या अल्लाह, बार बार तेरा कहर उन बेचारी पर ही क्यों नाजिल होता है? हमें तो जोधा बेगम बहुत पसंद थी। इस महल में शाही कठपुतलियों के बीच एक वही तो थी जिनमें इंसानियत तो थी, इसलिए तो यहाँ वो कामयाब नहीं हो सकी। वो महल से लापता हो गए हैं। हाँ, हमें तो महम पे शक है, जोधा बेगम फूटी आंख नहीं सुहाती उन्हें। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे जो दुनिया से जा चुका उसके रूह के सुकून के लिए दुआ कर रही। अल्लाह, हर बात पे नाटक। क्या अब ये सब क्या है? या अल्लाह, एक से बढ़कर एक करिश्मे होते इस महल में। हुजूर, महल का चप्पा चप्पा जान चुके हम। हरम तहखाना सब जगह ढूंढा, लेकिन बेगम साहिबा का कहीं पता नहीं चला। तो फौरन घुड़सवार के एक टुकड़े को तैयार किया जाए। अगर जोधा बेगम महल में नहीं है तो वो यकीनन महल से बाहर है। महल से बाहर जाने के सिर्फ तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता तो खुफिया रास्ता है जो जोधा बेगम को मालूम नहीं होगा। दूसरा रास्ता है सदर दरवाजा। और तीसरा रास्ता है यहाँ बांध जंगल की तरफ से।
बहुत बड़ी गलती की बेगम रुकाई आपने। घड़ी दो घड़ी में बेगम जोधा को मौत आ जाती, पीछा छूट जाता उससे। क्या जरूरत थी आपको जलाल को यह बताने की कि बेगम जोधा मरने की कोशिश कर सकती है? आपने जोधा बेगम की हालत देखी? जीना मरना बराबर है उनके, और मरे हुए को फिर से मरता देखने में कोई मजा नहीं आता। कुछ कह कहो की गूंज लौट कर वापस आती है बेगम रुकैया। हमारे अल्फाज याद रखिएगा, एक दिन आपको जरूर अफसोस होगा कि आपने बेगम जोधा को मर क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उस दिन कह कह लगाएंगी वो और आपकी आंखों में होंगे आंसू। आज अगर बेगम जोधा बचकर वापस आ गई ना, तो मरेंगी आप रोज तिल तिल करके। जोधा बेगम हम पर क्या कह लगाएंगी? हम पर चीटी से ज्यादा औकात नहीं है उनकी हमारे सामने। चीटियां हाथी को भी खून के आंसू रुला देती है बेगम रुकैया। बेगम जोधा की मजबूती का और उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। ताकत उनकी ताकत का अंदाजा है हमें, भागने की ताकत का, और शहंशाह को अपने पीछे भगाने की ताकत भी रखती है वो। अपनी मगरूरियत में आपने ये नहीं देखा कि पहली बार दूसरे मजहब की रानी को इस महल में अपने मजहब पर बने रहने की इजाजत दी, पहली बार मंदिर बनाने की शर्त मानी गई, और पहली बार इस महल में होली खेली गई, और बेगम रुकैया अब ये बार बार होते रहेगा। आपको ये लगता है कि शहंशाह को बेगम जोधा की परवाह नहीं है, लेकिन हमें इस बात का यकीन होने लगा है कि शहंशाह को खुद पता नहीं है कि उन्हें बेगम जोधा की परवाह होने लगी है। बेगम जोधा ने मीना बाजार में रंग की दुकान लगाई, हम पर रंग उछाला, अब पता नहीं कब वो शहंशाह को अपने रंग में रंग दे, पता नहीं कब वो आपके चेहरे का, आपकी ताकत का, आपकी मगरूरियत का रंग छीन ले। फिर मत कहिएगा मां मंगा ने आपको आगाह नहीं किया। बस! अगर जलाल ने आपको अम्मी जान का दर्जा नहीं दिया होता ना मां, तो हम आपको ऐसी कड़ी सजा देते कि जिंदगी भर किसी को सलाह देने की गलती नहीं करती आप। और आप कह रही है कि हम जोधा को, उसकी ताकत को नहीं जानते, जरूरत भी नहीं समझते, क्योंकि हम जलाल को जानते हैं। और आप तो क्या, कोई पीर फकीर, खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जलाल के सीने में दिल ही नहीं है, और उनके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है। अपनी ही जाति के लोगों की उपेक्षा, उनका अपमान सहा है तुम्हारे पापूसा ने। तुम्हारी छोटी बहन सुकन्या के संबंध तक का समझौता किया है हमने इस संबंध के लिए। तुम्हारी बेटी की डोली आमिर से उठी थी, तुम्हारी इच्छा है कि उसकी अर्थी आगरा से उठे। शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान सच बोलता है, तो आज तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हमने तुमसे निकाह सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम तुमसे बे इंतहा नफरत करते हैं। जोधा बेगम, क्या हमारा हुक्म है?
नहीं जानती कि लोगों की उपेक्षा उनका अपमान सहा है तुम्हारे बाप सारे बाप सारे। शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान हमने तुमसे निगाह सिर्फ इसलिए किया है कि हम तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। हमारी बेटी की डोली हम इससे उठी थी क्योंकि हमारी इच्छा है कि उसकी इज्जत करते हैं आगरा से आगरा से। चाहते हैं कि हमारे जीवन मृत्यु दोनों आपके हाथों में, ना हम अपनी इच्छा से जी सकते और ना ही अपनी इच्छा से मर सकते हैं। हम ना हमें आगरा का छोड़ा नहीं अमेरिका, बिल्कुल अकेला कर दिया है आपने हमें और अब मृत्यु से भी दूर कर दिया आपने। क्यों बचाया हमें बताइए, चले जाइए यहां से, अकेला छोड़ दीजिए हमें, बस नहीं एक लफ्ज और नहीं जोता। जब देखो शिकायत, जब देखो ताने कि कभी हमने आपके साथ ये किया, कभी हमने आपके साथ वो किया, कि कभी हमने आपसे आपकी जिंदगी छीन ली, आपको अकेला कर दिया, लेकिन आज तक आपके मन में जो आया आपने वो किया, आपके दिल में जो बात की आपने वो कही। हमने आपकी सारी शर्त मानी, आपकी सारी ख्वाहिश को कबूल किया, यहाँ तक कि तुम्हारी आवे लौटने की ख्वाहिश को हमने पूरा किया, लेकिन हम आपको ये बेवकूफी नहीं करने देंगे। आप अपने आप को समझती क्या हो? हम मानते हैं कि अपनी जिंदगी पर आपका हक है, लेकिन मुगल सल्तनत की इज्जत और उसके रुतबे को कायम रखना हमारा फर्ज है जोधा, और हम आपको उसकी इज्जत और उसके रुतबे की रसवाई नहीं करने देंगे। हम मानते हैं कि रुकैया बेगम के मामले में हमसे गलती हुई, लेकिन जैसे हमें उस गलती का एहसास हुआ हमने इसे फौरन कबूल किया और सबके सामने आपसे माफी मांगी। लेकिन क्या कभी आप ये जहमत उठाने की कोशिश की कि इज्जत और गुरूर सिर्फ आपके पास नहीं, बाकी सब लोगों के पास भी होता है? हम मानते हैं हमने आपसे निकाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम आपसे नफरत करते, लेकिन उस जंग का आगाज आपने किया था जोधा बेगम, आपने शहर की मांद में जाकर उसे ललकारा था। हम तो बस उस बेइज्जती का बदला ले रहे हैं जो आपने सरे आम आमिर में हमारी की। हम आपके सीने में दर्द भरना चाहते हैं क्योंकि आपने मुगल सल्तनत के बादशाह की गर्दन पे तलवार रखी। हम आपको तड़पाना चाहते थे, हमने आपको तड़पाया तो क्या गलत किया? अगर आपके वालदेन ने आपको ले जाने से मना कर दिया तो इसमें हमारी गलती नहीं है जोधा, तो हम उस गलती की सजा नहीं भुगतेंगे और ना ही अपने खानदान और मुगल सल्तनत की इज्जत की बदनामी होने देंगे। हमें चिढ़ है आपसे, आपकी जुबान से, आपकी आंखों में भरे सवाल से, हम नफरत करते हैं आपसे। इतनी ही घृणा, इतनी नफरत करते हैं आप हमसे, तो हमें मार क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस नफरत की जंग में आप जीत जाते, तो हम नहीं चाहते और ना ही हम मुगल सल्तनत की इज्जत को इस खेल में मौरा बनने देंगे। अगर आपके वालदेन के घर में आपके लिए जगह नहीं है तो मुगल सल्तनत के महल में उसकी बेगम के लिए बकायदा जगह है। भले ही हमारे बीच शौहर और बीवी का रिश्ता नहीं हो, लेकिन हमने आपको वो सारी सहूलियत मुकम्मल की जाएगी जो एक बेगम के लिए होती है। एक बात और जोधा, अगर महल ने किसी को इस बात की खबर हुई कि आज आपने मुगल सल्तनत की इज्जत बचाने की कोशिश की, तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझिए। शहंशाह जोधा बेगम को लेकर किले की ओर लौट रहे हैं, वापस चलो और बाकी टुकड़ियों को भी इत्तला कर दो।
कहा नीचे उतरिए, हमारे पीछे पीछे आइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? बस चुपचाप हमारे पीछे चलते रहिए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सल्तनत की सत्ताओं पर लगाने के बाद आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम आपके सवाल का जवाब देंगे? खुफिया रास्ता है जो किसी की नजर में आए बगैर सीधा महल तक जाता है। अग्गा साहब, जलाल कहाँ है? जोधा बेगम कहाँ है? वो पहुंचे नहीं अब तक। हमने तो शहंशाह को अपने साथ जोधा बेगम को लाते हुए देखा था। हमसे बहुत आगे भी थे वो, उन्हें तो पहुंच जाना चाहिए था अब तक। नहीं पहुंचे अब तक अग्गा साहब, हम तो तब से यहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। बेगम तो जलाल के साथ भी नहीं। जलाल, जोधा कहाँ है? वो आ चुके हैं अम्मी जान, और सही सलामत। उन्होंने बिना किसी से इजाजत लिए, बिना किसी को खबर के महल से बाहर जाने की गुस्ताखी की, इसलिए हमने उन्हें अकेले रहने का हुक्म दिया है। और कोई भी बिना हमारी इजाजत के उनसे मिल नहीं सकता। इस बार कोई भी मैं, आप भी शामिल हैं मेरे साथ। अकेले ही चले आए? इसका मतलब चौथा उन्हें नहीं मिली? अकेला नहीं छोड़ना चाहूंगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी रानी सास सही सलामत है और होंगी भी। मुगल सल्तनत की बेगम है, जल्दी वो तुम सब से रूबरू होंगी, बस आज नहीं। आपने हमें याद फरमाया अम्मी जान। हाँ रुकैया बेगम, हम जानना चाहते हैं जोधा बेगम के बारे में जलाल से तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं अम्मी जान, हम तो अभी तक मिले भी नहीं उनसे। ठीक है, यही जानना था हमें। मलिकाए आजम का इकबाल बुलंद हो, पीर अल्लाह रखा साहब तशरीफ ला चुके हैं। पीर अल्लाह रखा साहब? वो तो बहुत पहुंचे हुए नजूमी है ना? हाँ, हम ही ने उन्हें बुलाया है महल में। जो कुछ चल रहा है उसके बारे में मसलत के लिए। पीर साहब, आगरा में आपका इस्तकबाल करते हैं हम। खुदा आपकी मनचाही मुराद पूरी करेगा। सब ठीक तो है ना पीर साहब? कुछ दिनों से महल में जो चल रहा है उसके बाद हमारे दिल में एक अनजाना सा खौफ आने लगा है। आपकी गिनती और सितारों की चाल क्या कहती है? खौफ की कोई बात नहीं है मल्लिका। हाँ, थोड़ी परेशानी जरूर है। आने वाले कुछ दिन आपके बेटे शहंशाह जलाल के लिए मुश्किल से भरे हो सकते हैं। खुदा खैर करे। बताइए तो पीर साहब, इन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता तो होगा? जिसने दुनिया बनाई है उसके कर्म से रास्तों की क्या कमी है। तो बताइए, जलाल की मुश्किलात कैसे कम होंगी? अजमेर शरीफ जाना होगा शहंशाह को, उनके हुजूर में सिजदे करने हों अपनी बेगम के साथ, और उनके साथ किस बेगम को जाना है ये भी उस पाक परवरदिगार के नूर से ही तय होगा। हम कुछ समझे नहीं। ये कल के सूरज का नूर ही तय करेगा। जुल्हिजा का पाक माह अभी चल रहा है और कल इस पाक महीने का
पहला मुबारक जुम्मा है जिस बेगम पर कल के सूरज की रोशनी का नूर सबसे पहले पड़ेगा वो शहंशाह के साथ अजमेर शरीफ जाएगी। और वो खुशनसीब हमारे सिवा और कोई नहीं हो सकता।